अल करीम बैतुल माल के जेरे एहतमाम चलाए जाने वाले अरबिक मदरसा और मल्टीपर्पज ट्रेनिंग सेंटर का असनाद तकसीम प्रोग्राम हबीब फंक्शन हॉल उमर कॉलोनी आजादपुर रोड गुलबर्गा में मुनाकिद किया गया। जलसे की सदारत सीनियर जर्नलिस्ट व चीफ पैटर्न अल करीम ट्रस्ट अजीजुल्ला सरमसनी की। अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट यूनुस खान केटीएस सैयद बाबर मुस्तफ़ा इंजीनियर मुश्ताक अहमद ADEE एरिया कॉरपोरेटर हस्बैंड मोहम्मद ताहिर अली अब्दुल अजीम शिरनी फरोश कॉरपोरेटर हैदर अली बागबान और मकबूल अहमद सगरी ने मेहमाना ने खसूसी की हैसियत से शिरकत की। इंजीनियर मुश्ताक अहमद नीलनवी सेक्रेटरी अल करीम ट्रस्ट ने अल करीम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा की सालाना रिपोर्ट पेश की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अल करीम ट्रस्ट की जानिब से लॉकडाउन में गरीबों और फकीरों में खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए और रमजान मुबारक के दौरान फूड पैकेट्स भी तकसीम किए गए। अल करीम बैतुल माल से गरीबों बेवाओं यतीमों की मदद की जा रही है। अल करीम बैतुल माल की जानिब से चलाए जाने वाले अरबी मदरसे के बच्चों ने खिरत नात अहादीस सुनाकर मेहमानाने खुसूसी को मुतासिर किया और मेहमानाने खुसूसी ने कैश प्राइज दिया। अरबिक मदरसे में बच्चों के अलावा खवातीन को भी कुरान पाक पढ़ाया जा रहा है। जलसे में अल करीम मल्टीपर्पज ट्रेनिंग सेंटर में टेलरिंग और मेहंदी डिजाइन की ट्रेनिंग हासिल करने वाली 60 लड़कियों और खवातीन को असनाद तकसीम किए गए। मेहमानाने खुसूसी ने अपने तकारीर में अल करीम बैतुल माल गुलबर्गा की फलाही इमदादी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की तारीफ करते हुए कहा कि गरीब औरतों को इंटरेस्ट और संघ से बचाने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रेनिंग देने की जरूरत है। उन्होंने अल करीम बैतुल माल को लेडीज को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के काबिल बनाने टेलरिंग मेहंदी डिजाइनिंग के साथ साथ फैशन मोबाइल रिपेयरिंग कुकिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज की भी ट्रेनिंग देने का मशवरा दिया। ट्रस्ट के चीफ पैटर्न अजीजुल्ला सरमस ने ज्यादा से ज्यादा स्क्रैप के जरिए और रमजान मुबारक में जकात सदकात से अल करीम बैतुल माल की मदद करते हुए गरीबों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने की अपील की। स्क्रैप और डोनेशन जकात सदकात और माली ताउन के लिए अल करीम बैतुल माल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर से कॉन्टेक्ट करें। दरगाह हजरत खाजा
रमजान मुबारक के दौरान मुस्तफी में 500 राशन किट्स तकसीम किए गए। अलावा इसके लॉकडाउन के दौरान गरीब इमदाद की जा रही थी, लेकिन अचानक नागहानी हादसा पेश आया। अलगरी बैतुलमाल मुनवर्रा के गोदाम में 19 जुलाई 2021 को आग लगने के हादसा पेश आया। इस हादसे में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। स्क्रैप के साथ गोदाम में ठहराए गए 2 व्हीकल टीन शेड के जलने से अलगरी बैतुलमाल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। गरीबों की मदद के लिए इकट्ठा किए गए स्क्रैप के साथ साथ स्क्रैप इकट्ठा करने वाली गाड़ियों और टीन शेड के जल जाने से नुकसान ज्यादा हुआ। इस नागहानी हादसे के बाद 1 अगस्त 2021 से अलगरी बैतुलमाल गुलबर्गा ने कारकर्दगी का दोबारा आगाज किया। स्क्रैप वसूली के जरिए होने वाले आमदनी से अलगरी बैतुलमाल ने मुस्तहिक खवातीन और लड़कियों के लिए मल्टीपर्पज ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, जिसमें खवातीन और लड़कियों को टेलरिंग और मेहंदी डिजाइनिंग की तरबियत दी जा रही है। पहले बैच में 60 लड़कियों और खवातीन ने टेलरिंग और मेहंदी डिजाइन की तरबियत मुकम्मल की। तरबियत हासिल करने वाले में शादीशुदा खवातीन के अलावा SSC से PUC कामयाब लड़कियां भी शामिल हैं, जो अपने खानदान के लिए हिफाजत का जरिया बनी है और माशी हैसियत से मजबूत होगी। अलकरीम बैतुलमाल के तहत बच्चों और खवातीन के लिए अगली मदरसा भी शाम 5 बजे से 6 बजे के दरमियान लड़के लड़कियों को नाजिरा कुरान मजीद की तालीम दी जा रही है। आज का ये प्रोग्राम अलकरीम बैतुलमाल में जो ट्रेनिंग लेके हुनर हासिल किए हैं उनके सर्टिफिकेट देने का आज ऐलान करें। अब्दुल्ला शर्मा साहब जो पूरे जिम्मेदार है बैतुल करीम और उन तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरे माँ और बहनों और छोटी बच्चियों को जो दीनी तालीम का जो इल्म दे रहे हैं, इनके जो टेलरिंग और मेहंदी डिजाइन का जो हुनर सिखा रहे हैं कि वो अपने आकार अपने पैरों पर खड़े होकर कर सकते हैं। तो मैं अलगरीम बैतुलमाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे आप बढ़ के काम करिए, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। लोग एक कमेटी की तरह बाहर आ रहे हैं, वो खुशी हो रही है समझ साहब कि मैं कोई कार्यकाल में सुना कि जब लॉकडाउन के पेट में कमेटी तशील हुई तो दरमियान में गरीबों को खाना खिलाया गया और उस दरमियान में बहुत बड़ा हादसा भी हुआ। उस हादसे को संभालते हुए फिर एक नया काम शुरू किए जिसमें मेहंदी डिजाइनिंग और टेलरिंग सेंटर के तहत मैं सबसे पहले तो समझ साहब का फिर एक बार कहने का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक घर में जो परेशान हाल में है वैसे घर में एक बहन को एक मेरी छोटे से बच्चों को मौका दिया कि वो खुद से कुछ कर सके। और आज के जमाने जब अनएम्प्लॉयमेंट जमाने में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर काम कर रहे हैं तो ये ताने के काबिल है और मैं आपके सामने इंशाल्लाह ये तौफन देता हूँ कि अलगरीम के तहत मेरे से भी कॉर्पोरेशन में जब भी टेलरिंग या मशीन या और कुछ भी फैसिलिटीज होंगे तो इंशाल्लाह मैं अलगरीम के तहत जरूर मेरे अहलिया को बोलूंगा कि कमेटी के तहत भी इंशाल्लाह जरूर जरूर होंगे। मैं फिर एक बार आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग जो है ना इस बैतुलमाल का तआवुन करेंगे और इसे कामयाबी की धारदार पर ले जाएंगे। अक्सर ये शिकायतें आती थी कि खवातीन जो है सन में बैठती हैं और पैसे लेकर परेशान होती हैं और बहुत सारे लोग इस पर एतराज कर रहे थे, यहाँ तक के फतवे भी दिए गए। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग मसले का हल नहीं ढूंढते, मसले पर वादा ज्यादा बताते हैं। मसले का हल सन का ये है कि खवातीन को कोई हुनर सिखाया जाए ताकि वो अपने लिए कमाने का कोई जरिया प्रदान कर सके। अगर खवातीन इस काबिल हो जाती है तो सन में जाने के लिए क्यों तैयार होंगी, इस पर कोई गौर नहीं करता। बस फतवे दिए जाते हैं कि सूद लेना हराम है, सूद से कारोबार हराम है, ये बातें बहुत की जाती हैं।
तो अल करीम बैतुल माल ने ये सोचा ये जो लोकेलिटी है ये बहुत ही गरीब एरिया है, यहाँ पर खवातीन को अगर हुनर टेलरिंग का सिखाया जाए और मेहंदी डिजाइनिंग सिखाई जाए और दूसरे कोर्सेस उनको सिखाए जाए तो वो कुछ ना कुछ कमा सकती है और अपना घर चला सकती है। ये एक छोटी सी कोशिश है, इस कोशिश के जरिए हम सारे गुलबर्गा को ये पैगाम दे रहे हैं और यहाँ पर हमारे यूनुस भाई साहब जैसी मुखैर शख्सियत हर काम में लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। तो मैंने उनको खास तौर पर आज यहाँ इसलिए मौजूद किया कि वो हर मोहल्ले में इस तरह के वो मुख्तलिफ ग्रुप का तावन भी कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अगर छोटे छोटे ग्रुप्स महिलाओं में इस तरह के काम करें तो खवातीन को रोजगार के मौके हासिल हों तो गुर्बत का खात्मा बहुत जरूरी है। गुर्बत जो है उससे ईमान भी जाने का खतरा होता है, तो जब तक हम गुर्बत का खात्मा करने के लिए इस तरह के कोर्स शुरू नहीं करेंगे तो हमारा माशरा तब्दील नहीं होगा। और मैं यूनुस खान साहब से बाबर साहब से उम्मीद करता हूँ कि वो कई बैतुलमाल को अपना ताउन देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन तक हम रोजगार के मौके प्रदान कर सकें। और साथ ही नौजवान खैर ताहिर अली साहब ने बहुत अच्छा वादा किया, मैं उनसे ये बात कहना चाहता था उससे पहले ही वादा किया कि वो कारपोरेशन की जानिब से भी आज टेलरिंग सेंटर को काम करेंगे और मैं समझता हूँ कि हमारे 55 कारपोरेटर्स अगर ये काम गुलबर्गा में करते हैं तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। वरना मैं पिछली बॉडियों में मैं देख चुका हूँ कि टेलरिंग सेंटर्स कामयाबी के साथ नहीं चलाए गए और बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिली, लेकिन हमारे ताहिर जी साहब से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस तरह के सेंटर्स की जरूर मदद करेंगे और इसको कामयाबी के साथ चलाएंगे। और बहुत सारी स्कीम कॉरपोरेशन से होती है गरीबों की मदद के लिए, वो जरूर उन स्कीम के लोगों तक फायदा पहुंचाकर वो इस इलाके के एक महबूब और हर दिन अजीज कारपोरेटर बनेंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। और ये इसलिए भी कि वो यूनुस खान साहब की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इधर उधर नहीं भटकेंगे, यूनुस खान की उनके ऊपर पूरी पूरी नजर हमेशा रहती है। तो मैं उनसे बहुत अच्छी उम्मीदें रखता हूँ और आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम में शरीक होकर अल करीम बैतुल माल की और इन तमाम खवातीन की सरपरस्ती की।